तो भाई लोग कैसे हो आप सभी, मैं स्वादिडूर, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो भाई लास्ट एपिक्स मोबाइल पे वीडियो 3 हफ्ते पहले आई थी और मुझे भाई समझ ही नहीं आ रहा था मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। आज तो मैं कुछ रिपीटिटिव भी नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए वीडियो लेट है। तो कल भाई मैंने रेडिट पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे भाई एपिक्स मोबाइल के पेजों को एक्सप्लोर किया और ऑलमोस्ट 200 से 250 कमेंट्स ओपिनियंस मैंने भाई पढ़े, जिनमें से मोस्टली भाई TPP, e-sports या फिर डिवाइस स्पेसिफिकेशन पे थे। इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और दो चीज़ जो मुझे मिल लगी आज उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। तो पहली चीज़ भाई, कुछ बंदों को लगता है एपिक्स मोबाइल एक पे टू विन गेम होने वाला है। तो भाई इस गेम को डेवलप किया है रिस्पॉन एंटरटेनमेंट ने और जो इस गेम के पब्लिशिंग राइट है वो इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के पास है। अब ई एक भाई एक हरामी कंपनी है, इनका मेन फोकस यही रहता है कि भाई कैसे प्लेयर से ज़्यादा पैसा निचोड़ा जाए और प्लेयर्स की ज़रूरतों को तो भाई बाद में देखते हैं, पहली प्रायोरिटी भाई पैसा निकालो जितना हो सके। और ऐसे में भाई जब इन्होंने जेनरिक पक्ष डाले तो आप सभी को भी एक बार लगा होगा कहीं ये पे टू विन तो नहीं होने वाला। अब पहली चीज़ भाई, जेनरिक पक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे इस चीज़ का कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है बीटा में लेकिन बाद में उनको हटा दिया जाता है, लेकिन हाईली चांसेस भाई जेनरिक पक्ष रहेंगे। वैसे अच्छा भी है भाई, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो एपिक्स मोबाइल को PC वर्जन से अलग बनाए। और वैसे उसमें कुछ एबिलिटीज़ भी थी जो भाई एकदम फिट बैठती है लेजेंड्स के साथ, और उसके साथ आप अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब जहाँ तक मुझे पता भाई, देखो अब ये वो टाइम नहीं कि भाई तुम पे टू विन गेम लाओगे और भाई वो चल जाएगा। नहीं भाई, पहले जो गेम चलने थे चल गए, अब भाई उनको बैकलैश ही मिलेगा अगर तुम पे टू विन चीज़ें डालोगे गेम में। और उनको भी पता भाई ये वालों को, अगर वो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ करते हैं पे टू विन का चीज़, तो भाई एक वो स्पेसिफिक अमाउंट की ऑडियंस है जो भाई पे टू विन चीज़ों को पसंद नहीं करती, उनको भाई खो देंगे। तो भाई मुझे नहीं लगता इसमें कुछ पे टू विन होने वाला है। 90% चांसेस यही है कि भाई ये गेम टोटली प्ले टू विन होगा, नॉट टू पे टू विन। एंड अगर कुछ होता भी है, उसमें एक सेक्शन एक्सक्लूसिव का था, तो अगर कुछ होता भी है तो भाई देखो मैं तो हमेशा ही तैयार रहूंगा इस चीज़ को क्रिटिसाइज करने में, लेकिन हाईली चांसेस ये है कि ये भाई पे टू विन नहीं होने वाला। एंड जेनरिक पक्ष को अनलॉक करने के लिए भाई जो करेंसी लगती थी फ्लक्स, वो हमको भाई ग्राइंड करने पर ही मिलेंगी और इवेंट्स वगैरह में। तो भाई अब बात करते हैं सेकेंड चीज़ के बारे में, जो कि थी भाई एपिक्स मोबाइल का ओपन बीटा कब आएगा। भाई इस चीज़ को लेकर लिटरली रेडिट का आधा पेज भरा हुआ है। एंड कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें पॉसिबल रीजंस बताए थे ओपन बीटा के लेट होने के। एंड उस टाइम पे स्पेकुलेशन चल रही थी कि भाई ओपन बीटा नवंबर 22 और 28 को आएगा। एंड उस टाइम पे हमने भाई साफ मना कर दिया था कि नवंबर में बीटा नहीं आएगा, और हमने कहा था कि भाई दिसंबर में बीटा आ सकता है। लेकिन भाई इस टाइम को देख के मुझे लगता कि दिसंबर में बीटा आएगा। एंड मुझे कल ही पता चला कि भाई एक और प्राइवेट बीटा चलने वाला है चाइना में। पहली बात तो भाई देखो, चाइना की पॉलिसीज़ को लेकर वो अलग से APK ला रहे हैं, APK शीरोज करके। एंड ऊपर से भाई एक बीटा पहले ही कंडक्ट करा चुके हैं वो प्राइवेट चाइना में, एंड फिर से एक और बीटा। भाई चाइना में ऐसा क्या, तुम भाई वहीं पे बसना चाहते हो? और एक ये क्या भाई, हर एक बार क्लोज बीटा फिर प्राइवेट बीटा, क्लोज बीटा फिर प्राइवेट बीटा। भाई मुझे तो ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी इस गेम को भाई बीटा फेज में ही रखने वाले हैं। और भाई इस कंपनी का हुतियापा भाई मेरे सर के पार है भाई, खुद से कभी बताते ही नहीं कि भाई कब गेम आएगा कब नहीं। अब ये सीधा भी यही कह देने भाई, हम तो जनवरी फरवरी में लाएं तो भी भाई अच्छा है, लेकिन भाई कुछ बताते ही नहीं ये लोग। तो भाई मैं तो अब देखो ओपन बीटा के ऊपर भाई तभी बात करूँगा जब ऑफिशियल की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। एंड अब तो भाई ओपन बीटा के नाम से ही चिढ़ होने लगी है। एक और चीज़ की भाई, एपिक्स मोबाइल का जो ट्रेलर लीक हुआ आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने तो रेडिट पर देखा था, वैसे इंस्टा पर भी आया हुआ है ये। एंड जिसने नहीं देखा तो भाई अब वीडियो में देख लेना भाई, ये वही ट्रेलर है, मतलब जो गेम स्टार्ट होता था ना पहले वो ऑक्टेन वाला आता था, अब ये आता है। अब हो सकता है भाई इसी को लेके वो आगे प्रमोट करें एपिक्स मोबाइल को, और हो सकता है भाई कुछ अलग से नया ट्रेलर आए, तो वो सब तो देखते हैं यार। बस आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, फील करो द पावर ऑफ पॉजिटिविटी को, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, हमको बहुत ही जल्द 1K कम्प्लीट करने हैं। एंड आपके जो भी थॉट्स एपिक्स मोबाइल से रिलेटेड तो भाई कमेंट सेक्शन भर दो, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, सभी को रिप्लाई करने वाला हूँ एज यूजुअल। तो बस यार बहुत ही जल्द मिलूंगा आप सभी को एक नए वीडियो में, एंड तब तक भाई ऐसे इन्जॉय करते रहो।